हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आप किसी होलसेलर से क्रेडिट सामान ला करके अपने दुकान के जो मेल है, जो आइटम है ए टू जेड, जो है कि वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। थोड़े बहुत वीडियो में जो है कि टिप्स आपको दूंगा। मान के चलिए आपके पास जो है कि 50,000 एक लाख रुपये तक के इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट है वो है, लेकिन 50,000 एक लाख रुपये में आज के ज़माने में मतलब क्या ही कुछ आता है। एक दुकान खड़ा करने के लिए कम से कम अभी के दौर में 8-10 लाख रुपए जो है कि एकदम कंपलसरी बन गया। 8-10 लाख रुपए आपके पास है तभी आप एक मतलब मैनेजेबल दुकान कर सकते हैं, सभी वैरायटी को कवर करते हुए थोड़ी बहुत जो है कि वो दुकानदारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज़ यहाँ पे ये आ जाता है कि आपके पास रकम बहुत कम है, 50,000 एक लाख रुपये ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे दुकान में ए टू जेड जो है कि आइटम वगैरह जो कवर हो जाए, बच्चे बूढ़े और जो लेडीज़ जेंट्स जितने भी मतलब उम्र के कैटेगरी के व्यक्ति हैं उन सभी के लिए जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के कपड़े हैं, तो वो सभी कवर हो जाए। तो कैसे कवर होगा, कैसे आपको कोई होलसेलर ट्रस्ट करके क्रेडिट दे ताकि आपके दुकान में जो है ऐसे कि मेल ए टू जेड बन जाए, तो कैसे कम इन्वेस्टमेंट में आप ए टू जेड जो है ऐसे कि वैरायटी कवर करेंगे, इस वाले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा। तो बात करते हैं कुछ समय पहले, यानी कि 15 से 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त मेरे पिताजी बताते थे। तो उस वक्त क्या होता था, होलसेलर जो है ऐसे कि रिटेल व्यापारी को ढूंढ ढूंढ कर उधार देते थे। वो कुछ अलग दौर था, क्योंकि होलसेलर लोग को उस समय जो है ऐसे कि माल सेलिंग करना था, कितना ज़्यादा सेल कर सके, और रिटेल दुकानें जो है ऐसे कि वो काफ़ी कम हुआ करती थी, लिमिट में हुआ करती थी। तो उस वक्त जो है ऐसे कि होलसेलर किसी रिटेलर से जुड़ने के लिए मतलब बार बार उनके दुकान तक आना, उसका मतलब अपने अपने सैंपल लेकर के घूमना बाज़ार में मार्केट में, वो बना रहता था होलसेलर का कि हाँ कोई एक रिटेलर अच्छा जो है जिसका सेल अच्छा हो वो हमसे जुड़ जाए और मेरा सामान ले जा करके बेचे। ये 15 से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी रिटेलर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मत पूछिए, रिटेलर इतने ज़्यादा है कि होलसेलर को कैश में बेचने के लिए भी सामान जो है कम पड़ जा रहा है अभी के दौर में, क्योंकि फैशनेबल जो चीज़ें हैं जितने भी आइटम हैं ये सभी फैशन के दौर में मतलब कितना फास्ट सेल करें और कैश में सेल करें, भले ही अपना मार्जिन जो है कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मार्जिन जो है कि एकदम घटा दे रहे हैं, लेकिन कैश का कारोबार में ये होता है कि आपका पैसा डूबने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि कोई आइटम पे 10% 15% आप प्रॉफिट रख करके बेच रहे हैं तो ये पैसा कैश हो गया। वही अगर आइटम अगर कोई होलसेलर चाहें कि मैं इस पर 30-40% यानी कि 30-40% प्रॉफिट ले करके बेचूंगा, तो वैसे कस्टमर का माल जो है कि वो रहा का रहा जो है कि गोदाम में पड़ा ही रह जा रहा है। तो वैसे जो 30-40% जो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो वैसे होलसेलर रिटेलर को उधार में देते हैं सामान। तो मान के चलिए कोई रिटेलर मार्केट से 100 रुपये में एक सामान लेकर के आ रहा है अपने दुकान पे, तो 110-115 का इजीली बेच सकता है। लेकिन वही चीज़ आप उधार में मार्केट से 130 रुपये में लेकर के आ रहे हैं, 135 रुपये में लेकर के आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप 120 रुपये में कैसे बेचिएगा, 115 रुपये में कैसे बेचिएगा, आपका तो लॉस जाएगा ना उस समय। तो यही चीज़ अभी मार्केट में हो चुका है। अभी सारे व्यापारी जो लोग हैं वो कैश में ही काम करना चाहते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े होलसेलर हो, वो भी चाह रहे हैं कि मेरे पास जितने भी कस्टमर आ रहा है वो कैश पैसा दे और अपना सामान ले करके जाए, भले ही हम अपना प्रॉफिट जो है से कि वो कम से कम रख रहा हूँ। तो कम से कम प्रॉफिट रखने के लिए वो लोग जो है कैश में कारोबार करना चाह रहे हैं, ताकि सामान जो है कि आपको भी 2 पैसा सस्ता लगा दे और सेलिंग आप भी ले जा करके लगातार मतलब धराधर सेल उसको निकाल दे। तो जब तक आप सस्ता नहीं बेचिएगा सामान तब तक आपके यहाँ कस्टमर का आना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो उधार दिया है जो पार्टी 30-40% के मतलब प्रॉफिट रख करके जो उधार पार्टी दिए हुआ है, तो वो मार्केट में अपना पैसा उठाने के लिए मतलब डेली दौड़ रहा है आपके दुकान पे, या वीकली यानी कि हफ्ते में एक बार दो बार दौड़ रहे हैं, या महीने में दौड़ रहे हैं, तो इनका दौड़ धूप जो है कि बना रहता है, तो वो उसी खर्चा से निकालते हैं। 30-40% जो प्रॉफिट रखे हुए हैं तो ये उसी से निकालते हैं कि मेरा जो है कि आने जाने का खर्चा जो है वो इसी से निकले, मेरे जो स्टाफ है वो भी खर्चे इसी से निकले, मेरे जो है कि गोदाम का जो शॉप का जो रेंट है वो भी इसी से निकले, तो तभी जाकर के वो मार्जिन अपना जो है कि हाई रखे हुआ है। तो आप क्रेडिट पे जो है कि माल लेकर के आएंगे तो आपको बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी कंपटीशन का मार्केट है, आप जब तक सस्ता और अच्छा सामान नहीं बेचिएगा तब तक आपके पास कस्टमर का आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो एक तो ये होता है कि स्टार्टिंग में आप जब नया दुकानदार है, बिजनेस करना जो है कि स्टार्ट अभी कर रहे हैं, मार्केट में आपको आपकी कोई पहचान नहीं है, तो वैसे में आपको एक तो
क्रेडिट मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका मतलब दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, चाहे आप कपड़े के बिज़नेस की बात करें या और कोई भी बिज़नेस के बारे में बात करें, तो अगर कोई इन्वॉल्व है आपके पहचान के, वो जहाँ से माल लेकर के आ रहा है, जहाँ से वो परचेजिंग कर रहा है, अगर आपको ले जा करके उस दुकानदार से, उस होलसेलर से कांटेक्ट करवा दें कि इनको माल दीजिए थोड़ा बहुत क्रेडिट, बाकी इनके जो पेमेंट की जिम्मेवारी है वो मैं लेता हूँ, मैं अपने तरीके से इनसे पेमेंट दिलवाऊँगा, अगर ऐसा बोलते हैं तभी जा कर के होलसेलर जो है आपको सामान देंगे। वरना आप अकेले जाएंगे किसी होलसेलर के पास कि मुझे क्रेडिट में सामान दीजिए, मैं 50,000 रुपये दूंगा और 1-2 लाख का मुझे सामान दे दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो 50,000 रुपये लेकर के 50,000 का ही सामान आपको देंगे, आपको 5-10 हज़ार का भी उधार नहीं देंगे। उधार कब देंगे? जब आप उसके पास कंटिन्यू बनेंगे। आप अपने दम पर भी पहचान बना सकते हैं किसी होलसेलर के पास। मान के चलिए किसी होलसेलर से आप स्टार्टिंग में 50,000 का सामान लिए, तो 50,000 का सामान कैश लेकर के आइए, फिर कुछ पैसा जैसे कि 20-30 हज़ार का सेल निकल जाता है उस पैसे से, तो 20-30 हज़ार लेकर के मतलब फिर जाइए उसी होलसेलर के पास में। जब आपका जो कंटिन्यूटी बने रहेगा, जैसे कि महीने में आप 4-5 बार उस होलसेलर के टच में जाते हैं, तब वो सोचेगा, एक दो साल बीतने के बाद में तब वो सोचेगा कि ये बंदा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है और इसका जो है कि सेलिंग वगैरह अच्छा है, तो वो सोचेगा ठीक है 50,000 का माल लेकर के जाते हैं तो एक बार 10,000 और लेकर के जाइए, 10,000 का क्रेडिट हो जो है कि वो वहाँ से देना स्टार्ट करेगा। तो 10,000 का क्रेडिट जब आपको मिलने लगेगा, तो उस 10,000 क्रेडिट को जो है कि अपनी ईमानदारी पूर्वक अगर उसको सही समय पर उस होलसेलर वाले को दे दिए, तो अब अगली जगह पे आपको 20,000 का भी क्रेडिट मिल जाएगा, 30,000 का भी क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे क्रेडिट का लिमिट वगैरह जो है होलसेलर खुद बढ़ाते चले जाएगा, क्योंकि उसका जो है सेल बढ़ाना रहता है। होलसेलर जितना ज़्यादा सेल करेगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। कोई भी दुकानदार क्यों ना हो, या कोई रिटेल भी दुकान कर रहा है, तो जितना ज़्यादा सेल करेगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट उसको होगा। तो इसीलिए होलसेलर को भी मतलब गोदाम में रख करके सामान वगैरह एक्सपायर नहीं कराना रहता है, उसको भी सामान वगैरह बेचना ही रहता है। तो सामान वगैरह बेचने के लिए वो करेगा क्या, सिंपली वही तरीका अपनाएगा कि आप क्रेडिट ही लेकर के जाइए, लेकिन समय पर पैसा हमें लौटा दीजिए। तो मान के चलिए अगर उस होलसेलर के पास में आपका A to Z सामान कवर हो जाता है तो ठीक है, या केवल वो जैसे कि सूट साड़ी का ही काम कर रहा है, अगर आपका मन है कि मुझे क्रेडिट में शॉर्ट या पैंट का जो है से कि कोई पार्टी मिल जाए, तो कितना बेहतर रहेगा, है ना, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का मेल मेरे दुकान में बन जाएगा। तो वही होलसेलर किसी जेंट्स पार्टी का जो शॉर्ट या पैंट के कारोबार में इन्वॉल्व है, तो उस वैसे टाइप के होलसेलर को आपको जो कॉन्टेक्ट कराएगा, ये बंदा आपकी कॉन्टेक्ट कराएगा और आपकी पहचान भी वो उस होलसेलर से करवाएगा कि ये मतलब महीने में इतना का सेल निकाल के देता है, अच्छा पार्टी है, इससे कारोबार आगे बढ़े। तो वही होलसेलर आपका जो है से कि मीडिएटर बन जाएगा वहाँ पर, और आपका काम जो है से कि और आसान कर देगा, तो आपको शॉर्ट पैंट भी मिलने लगेगा क्रेडिट पे। तो यही फंडा है, और क्रेडिट में मतलब लेने से बेहतर है आप कैश में लीजिए, 2-4 पैसे सस्ते में लीजिए, क्योंकि सस्ता लाएंगे तभी सस्ता बेच पाएंगे, महंगा ला करके सस्ता में बेचिएगा तो फिर मुश्किल है। 130 का माल कोई 120 में नहीं बेचता है, जब तक आप 110 में नहीं लाइएगा मार्केट से, तब तक आप 120 में नहीं बेच पाइएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि कैश में लाएं, 2 पैसा सस्ता लाएं, 2 पैसा सस्ता बेचें, ताकि मेरा कस्टमर फ्लो जो है वो बढ़ता ही रहे। तो स्टार्टिंग में मतलब मुश्किल हो जाता है, तो आप एक काम कीजिए, पूरे वैरायटी को कवर नहीं भी करेंगे तो जो भी 1-2 आइटम होते हैं, जैसे कि केवल सूट का ही हो, केवल साड़ी का ही हो, तो कोई भी एक स्पेसिफिक जो आइटम है उस आइटम पे आप फोकस कीजिए और अपना कारोबार आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि मेरे दुकान में A to Z आइटम है तो कोई एक कस्टमर आएगा तो जो साड़ी भी खरीदेगा, सूट भी खरीदेगा, शॉर्ट भी खरीदेगा, पैंट भी खरीदेगा, ऐसा नहीं है कि एक एक वैरायटी सब कोई खरीदेगा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कोई एक कस्टमर आएगा तो एक आइटम मेरे यहाँ से ज़रूर लेकर के जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप केवल सूट रखते हैं तो केवल सूट लेने वाले भी कस्टमर बाज़ार में है, वो हो सकता है आपके दुकान पर आए केवल सूट ही लेने के मकसद से, तो केवल सूट लेकर के चला जाए, तो 2-4 कस्टमर तो लौटेंगे ही लौटेंगे। ऐसा नहीं कि आपके दुकान में जितने कस्टमर आ रहे उतने कस्टमर आपसे खरीद ही ले, लेकिन जो कस्टमर लौट रहे हैं, किस आइटम के लिए लौट रहे हैं, कितने कस्टमर लौट रहे हैं, तो उसको एक नोटिस करते रहिएगा कि ये चीज़ अगली बार जो है से कि मैं अपने दुकान में अगर थोड़ा बहुत बजट अगर इम्प्रूव होता है तो ये वाले आइटम जो है अपने दुकान में ज़रूर से कवर करेंगे। तो ऐसे करके अगर नोटिस करते हैं, एक कॉपी टाइप में नोट करते रहिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे नोटिसेबल जो चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो है से कि वो आपको याद नहीं आता है,
तो ऐसे चीज़ों को नोट कर लिया कीजिए, और अगली बार जब भी आप होलसेल मार्केट जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को अपने दुकान में समावेश कर जरूर कीजिए, अपने दुकान में वो ऐसे सामान को ज़रूर लाइए, ताकि आपका जो कस्टमर अब रिटर्न हो रहा है, अब रिटर्न जाने की जो ऐसी की उम्मीद ना रहे। तो क्रेडिट कैसे लेते हैं होलसेलर से, यही फंडा है। होप कि इस वीडियो को ज़रूर से समझे होंगे। पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह लेकर के आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।